दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है एडसेंस का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को दिखाएंगे एडसेंस का अकाउंट किस तरह से कम्प्लीटली बनाते हैं। पहले गूगल में सर्च करेंगे गूगल एडसेंस, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर जाएंगे साइन अप ऑप्शन में। इधर पर डालना होगा जो वेबसाइट में एडसेंस आप लोग को चालू करना है उसका यूआरएल लेके आप लोग को इधर पर डालना होगा। जैसे कि मैं ये वाला डालूँगा अभी। URL लेके डालना होगा, फिर गेट हेल्पफुल एडसेंस एंड इन्फॉर्मेशन एट द ईमेल। अगर इन्फॉर्मेशन के मतलब एडसेंस की रिलेटेड कोई अपडेट अगर ईमेल पे आप लोगों को चाहिए तो इसको करेंगे यस, तो वो लोग आपको कंटिन्यूअली कुछ अपडेट नोटिफिकेशन देते रहेगा। मुझे चाहिए नहीं तो इसको हम करेंगे नो। फिर इधर पे सिलेक्ट करना होगा कंट्री, इसमें टर्म एंड कंडीशन है, इसको एग्री करके कंटिन्यू करना होगा क्रिएट अकाउंट। अभी इधर पे एक कोड जनरेट होगा, इधर पे जो एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस ठीक ठाक देना होगा। ये बिजनेस अकाउंट था, इसको हम प्राइवेट अकाउंट कर लेते हैं। इधर पे दो ऑप्शन है, एक है बिजनेस अकाउंट, दूसरा है क्रिएट मतलब जो पर्सनल अकाउंट होता है वो कर लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग को प्राइवेट ही अकाउंट करना है। इधर पे अपना अपना नाम डालना होगा, एड्रेस, ये जो एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस ये सही से डालना होता है क्योंकि अगर गलत डाल देते हैं तो गूगल से जब अगर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है जब पेमेंट के टाइम पे गूगल पे एक आपको एक ओटीपी जरा ओटीपी टाइप का एक इंडियन पोस्ट में आता है तो इधर पे इनपुट करने से वो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो आप लोग का जो एड्रेस है वो सही डालना, जो रियल में है तो वो वाला डालना। फिर इसको करेंगे सबमिट। अभी वाला जो कोड है इसको डालेंगे वेबसाइट में।
इसको लॉगिन कर लेते हैं। एक कोड किस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट में डालना है वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। प्लागिन में जाएंगे आप लोग। प्लागिन, एक प्लागिन होता है ट्रैकिंग कोड मैनेजर, आई थिंक इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। दोबारा दिखा देता हूँ आप लोग को, ट्रैकिंग कोड मैनेजर। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला को आप लोग को इंस्टॉल करना है, ट्रैकिंग कोड मैनेजर। इसको इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन में जाएंगे। इधर पे ऐड न्यू ट्रैकिंग कोड करना होगा, फिर इधर पे जो कोड उधर पे हम लोग लिए थे वो कोड को इधर पे डालना है। इधर पे समझने के लिए इधर पे हम लोग को डाल देते हैं गूगल एडसेंस, ये कौन सा कोड समझने के लिए इधर से डाल देते हैं गूगल एडसेंस करके। इसको करना है स्टैंडर्ड कोड ट्रैकिंग इन योर वर्डप्रेस, इसको करना है इन योर होल वेबसाइट करके, इसको करना होगा सेव। इधर पे एक्टिवेट हो गया है, फिर इसको करके डन करना होगा। चेक कर रहा है एक्चुअली में हम लोग वेबसाइट में कोड को डाला कि डाला नहीं, ये चेक कर रहा है इधर पे। लिखा है लुकिंग फॉर द कोड ऑन योर साइट, जो कोड लेके अभी वेबसाइट में डाला तो ये चेक करके बताया द कोड वॉज फाउंड, मतलब वेबसाइट में एक कोड अटैच है। तो अभी दिखा रहा है ये 2 वीक लेगा, फिर नोटिफिकेशन देगा एडसेंस का अप्रूवल मिलता कि नहीं मिलता है। थैंक यू दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग एडसेंस की नया अकाउंट क्रिएट करके वर्डप्रेस में कोड डाल के एडसेंस अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट तुम लोग भेज सकते हो।